Give the equation of three lines passing through the point 4, -5. फर्स्ट इक्वेशन हो गई x प्लस वाई इक्वल टू माइनस वन. आपको वो इक्वेशन लेनी है जिनका जो है जिनको ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई करेगा. और बताइए बॉयज बताएंगे अब नेक्स्ट. हाँ जी कुछ भी आंसर दे सकते हो. दैट इक्वेशन शुड गेट सेटिस्फाइड बाय दिस पॉइंट 4, -5. हाँ वही तो 4, -5 जो भी आप अब इक्वेशन आपने बतानी है. इक्वेशन जो भी आप बताओगे 4, -5 शुड सेटिस्फाई दैट इक्वेशन. तो इक्वेशन आप कोई भी फॉर्म कर सकते हो. बॉयज विल गिव मी द आंसर, गर्ल्स हैव गिवन. मिलन क्यों? माय क्वेश्चन इज राइट एनी टू इक्वेशंस व्हिच सेटिस्फाई on which you can say this point 4, -5 lies. Give the equation of three lines passing through 4, -5. Boys को I think question नहीं clear. चलो एक और मैं बता देती हूँ. मैंने लिया यहाँ पे 2x - y. x की वैल्यू 4 पुट करो क्या आएगा यहाँ पे 4 2 8. y की वैल्यू -5 पुट करो क्या आएगा +5. यहाँ कितना आया था 8, यहाँ पे कितना आया +5. यानी कि दिस शुड बी इक्वल टू 13 तभी वो आपका सेटिस्फाई होगा. गॉट दिस? कैसे इक्वेशन बनी है? अब एक और बनाओ 4x. हाँ वो अच्छा चलो x - y यू वांट टू से यही कहना चाह रही हो ना. उसको मैं 4 डायरेक्टली नहीं पुट करूंगी, मुझे x की टर्म्स में लिखना होगा. x को 4 पुट करेंगे, y को -5 पुट करेंगे तो 4 + 5 हो गया. तो इट मींस यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा इक्वल टू 9. तीन इक्वेशंस बन गई. इस तरह की कितनी इक्वेशंस बना सकते हो? इनफाइनाइट, क्योंकि सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास. एक और बताओ. चलो बॉयज ही बताएंगे. अब इधर से नहीं इधर से बोल लो. हाँ जी अब इधर वाले बॉयज बोल लेंगे. एक्स इज इक्वल टू 7 किसमें? 4, -5 को. चलो गर्ल्स बताएंगे. 3x + y इक्वल टू -7 or +7. अब इसको देखो ये सेटिस्फाई हो रही है. एक्स को पुट करोगे 4, 3 4 12 +y - 5. 12 - 5 = 7. अब एक और बताओ. बॉयज बताएंगे. बॉयज नहीं बता रहे. इधर वालों को समझ आ गया, अब इधर वाले बोलेंगे. x + 4 - 5 = -1. कोई और दो. नहीं बॉयज को बताने. हाँ जी बच्चे लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है. हाँ जी क्लियर?
हाँ जी, अब पीछे वाले तीन बॉयज। नहीं समझ आया तो बच्चे पूछ लो मेरे से। हमने जो भी इक्वेशन लिखनी है वो हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में होनी चाहिए कि 0.4, -5, यानी कि अगर मैं एक्स को 4 फुट करूं और वाई को -5 फुट करूं तो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू आनी चाहिए। व्हाट माय पॉइंट? अब बताओ इक्वेशन। कुछ भी आप अपनी मर्जी से कुछ भी इक्वेशन पहले लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म कर लो, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करो, राइट हैंड साइड जो भी वो आंसर आ रहा है उसको बना दो। -5x + y = 5, 4 20, -5 = 15, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, बाकी दो बॉयज। अभी भी कहीं डाउट है तो यू कैन आस्क। -4x - y = 21, बिल्कुल ठीक है। क्लियर है? अब ये समझ आ गया। हाँ जी, 5x - y = x को 4 फुट करो, y को -5 फुट करो, 5 4 20, 20 + 5 हो गया, तो दिस विल बी इक्वल टू 25। गॉट इट? क्लियर है ये सबको? अब नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन y = x and y = 2x ऑन द सेम कार्टेशियन प्लेन। व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन इन दीज ग्राफ्स? y = x and y = 2x। यू आर टू प्लॉट द ग्राफ ऑन द सेम ग्राफ पेपर। दोनों लाइन्स सेम पे प्लॉट करनी है हमने। फर्स्ट है हमारा y = x, सेकेंड इक्वेशन है y = 2x। मेक द सॉल्यूशन सेट। मिनिमम 3 पॉइंट्स आप लोगे। x0 तो y0, x1 तो y1, x2 तो y2, क्योंकि y और x इक्वल है। यहाँ पे y जो है वो ट्वाइस ऑफ x है। x0 तो y0, x1 तो ये 2, ये 2 तो ये 4। गॉट द सॉल्यूशन सेट? कहाँ? यहाँ 2 आएगा, हेयर इट विल बी 2, बिकॉज y इज इक्वल टू x है। नाउ यू आर टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ बोथ दीज लाइंस ऑन द सेम ग्राफ पेपर। सो 1 1 के गैप पे ले लो। एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आपकी 2 तक जा रही है और वाई की मैक्सिमम वैल्यू 4 तक जा रही है। दिस इज 1 1, देन 2 2 और 0 0। सो ये लाइन बन जाएगी आपकी, दिस इज वाई इज इक्वल टू एक्स। अब सेकेंड लाइन प्लॉट करनी है आपने। हाँ जी, एक ही पे करनी है। सेकेंड है वाई इक्वल टू 2x, 0 पे 0 सेम पॉइंट, 1 पे 2, 2 पे 4। y इज इक्वल टू 2x। सो व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन इन दीज ग्राफ्स? क्या ऑब्जर्व करोगे आप इन ग्राफ्स में? बोथ द लाइंस इंटरसेक्ट एट द ओरिजिन। Whenever y is in terms of multiple of x, so origin से वो हमेशा पास करेंगे। अगर यहाँ पे मैं सपोज y is equal to 3x, y is equal to half x या y is equal to 4x, कोई भी मल्टीपल ऑफ x ले लूं तो दैट विल पास थ्रू ऑरिजिन। साथ में कुछ प्लस माइनस नहीं हो रहा, सो दैट लाइन विल, मतलब y जब भी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यू कैन से, तो दैट विल बी पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ये क्लियर है? कर दूं ये इरेज ग्राफ प्लॉटेशन। नेक्स्ट है, अब मुझे गिवन है एक लाइन का ग्राफ गिवन है,
एंड आई हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द लाइन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन. This is passing through 2,0, 3,2, and 4,3. स्पेसिंग आपने इक्वल रखनी है. ये हमें ग्राफ गिवन है. वी आर टू फाइंड the equation from the given equations. X plus y equal to 1 hai first wali hame options given hai ye. This is 2,0. X minus y equal to 1 and C option is 2x minus y equal to 2 and option D is minus x plus y equal to 1. हाँ जी, क्वेश्चन सुन लो इसका दोबारा से. हमें क्वेश्चन गिवन है, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हूज ग्राफ इज शोन इन द फिगर. पॉइंट्स हमें गिवन है, नहीं भी गिवन होंगे तो ग्राफ से आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो. अब आपको बताना है कि कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है ये, कौन सी इक्वेशन का ग्राफ है, मीन्स ये पॉइंट्स उस इक्वेशन को तीनों के तीनों पॉइंट्स सेटिस्फाई करेंगे. फर्स्ट वाले में 0,0 पुट करो, 0 इज इक्वल टू 1, सेटिस्फाई हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है. 0 प्लस 0 इक्वल टू 1, फॉल्स कंडीशन है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इट मींस दिस इज नॉट द आंसर. नेक्स्ट x माइनस y, 0 माइनस 0 इक्वल टू 1 है, नो, तो दिस इज अगेन नॉट सेटिस्फाइड. नेक्स्ट लो, ट्वाइस ऑफ 0 माइनस 0, ट्वाइस ऑफ 0 इज 0, नहीं, x की वैल्यू 2 है, 0,0 नहीं है, यहाँ 2 है, मैंने ये भी गलत बोला है, पॉइंट हमारा 2,0 है. 2 प्लस 0 नॉट इक्वल टू 1, रिजेक्टेड. 2 माइनस 0 नॉट इक्वल टू 1, रिजेक्टेड. यहाँ दो, 2 2 4 माइनस 0 इक्वल टू 2, फॉल्स कंडीशन है, ये भी रिजेक्टेड. अब लास्ट वाली रहेगी, इसको चेक करो, माइनस 2 प्लस 0 इक्वल टू 1, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? तो फिर जस्ट अ मोमेंट, लेट मी चेक द ऑप्शंस. हाँ जी, नहीं पर सारों के होगी तभी आप लेके चलो. यहां ये 0.20 नहीं है, दिस इज नॉट द पॉइंट. ये 2 यहाँ पे है, ये पॉइंट हमें गिवन नहीं है, ये दो पॉइंट्स गिवन है. नाउ चेक अकॉर्डिंग टू दिस, x माइनस y दोनों पॉइंट्स सेटिस्फाई कर रहे हैं. सी द क्वेश्चन वंस अगेन, हमें लाइन की इक्वेशन गिवन है, लाइन के ऊपर ये दो पॉइंट्स हमें गिवन है, ये पॉइंट यहाँ है, तो इसको 2,0 नहीं लेना, ठीक है. मुझे लगा था कि यहाँ पे भी पॉइंट गिवन है, बट यहाँ पॉइंट गिवन नहीं है, ये दोनों पॉइंट्स हमें वहां पे कोऑर्डिनेट्स इनके गिवन है, तो वी आर टू टेक दीज टू पॉइंट्स ओनली. अब इनसे देखो कि कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है. ऑप्शन बी दोनों पॉइंट्स से सेटिस्फाई हो रही है, तो दिस ऑप्शन विल बी योर आंसर. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वन कॉमा माइनस वन इज अ पॉइंट ऑन द लाइन. वन कॉमा माइनस वन is a point on the line 2x. ये point हमें given है on the line 2x minus twice of a plus 5
इनटू वाई इक्वल टू फाइव. फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. इफ वन कॉमा माइनस वन इज अ पॉइंट ऑन दिस लाइन, टू एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ ए प्लस फाइव इंटू वाई इज इक्वल टू फाइव, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. एक्स को क्या पुट करोगे और वाई को, तो ये आ गया टू माइनस ट्वाइस ऑफ ए प्लस फाइव इंटू वन इज इक्वल टू फाइव. सिंप्लीफाइड टू माइनस टू ए माइनस फाइव इज इक्वल टू फाइव. माइनस टू ए इज इक्वल टू एट हो जाएगा. ए इज इक्वल टू कहां पे, ओके वाई इज माइनस वन, तो साइंस चेंज हो जाएंगे. This will be positive. This will also be positive. 5 or 5 cancel out ho gaya. 2a is equal to minus 2. A is equal to minus 1. X ko 1 lena hai. Y ko minus 1 lena hai. Now moving on to the. Kahan? Yes, minus 5. ये माइनस वन से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी माइनस है, माइनस इनटू माइनस क्या हो गया प्लस, तो टू ए प्लस फाइव ही रहेगा. ये भी फाइव था, ये भी फाइव था, इक्वल टू के दोनों साइड पे. जब आपके सेम नंबर्स विद सेम साइन होते हैं हम उनको कैंसिल आउट कर देते हैं. या फिर आप ऐसे कर लो इसको, अगर यहाँ कंफ्यूजन है, टू ए इज इक्वल टू फाइव माइनस फाइव माइनस टू, ये कैंसिल आउट हो गया. टू ए इज इक्वल टू माइनस टू, तो ए इज इक्वल टू माइनस वन. क्लियर? Through which quadrant or quadrants the graph of the linear equation x minus 2y equal to 0 will pass. X minus 2y equal to 0 will pass through which quadrant or quadrants. अब ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये आपकी मोर देन वन क्वाड्रेंट पास करेगी, क्योंकि लाइन जो है दैट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू इंफिनिटी. तो इसका ग्राफ देखो कौन कौन से क्वाड्रेंट्स में से पास करेगा. मैं इसको रीराइट कर सकती हूँ, x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y या y इज इक्वल टू हाफ ऑफ x कर सकते हैं, जैसे मर्जी कर लो. y जीरो तो x जीरो, डायरेक्ट प्लॉट कर दूं मैं या सॉल्यूशन सेट लिखूं. चलो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, y जीरो पुट किया मैंने तो x जीरो आ गया. मैंने y को वन पुट किया तो x कितना आ गया, टू. ये लाइन प्लॉट हो गई. नाउ ये टू पे आपका सिक्स आ जाएगा, एक थर्ड पॉइंट ले लो. तो क्या बनेगा ये, पॉइंट्स क्योंकि मैंने इक्वल डिस्टेंस पे नहीं लिए तो ग्राफ पे थोड़ा सा फर्क लग रहा है यहाँ पे. सो आप इक्वल डिस्टेंसेस पे लोगे तो देन यू विल गेट द करेक्ट. चलिए, दिस इज पासिंग थ्रू विच ऑफ द क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट एंड थर्ड. क्लियर? तो आपकी जो भी लाइन ऑफ इक्वेशन बनेगी That may pass through one quadrant से नहीं करेगी, two और three से भी कर सकती है. Three quadrants से कैसे pass करेगी, can you give the example कि line कैसे draw होगी. यही line अगर मैं इधर shift कर दूं थोड़ी सी, या origin से pass अगर नहीं कर रही, मान लो ये line मैंने ऐसे draw कर दी, अब ये इसमें से भी pass कर रही है, इसमें से भी कर रही है और इसमें से भी कर रही है, ठीक है, बट चारों के चारों क्वाड्रेंट्स में से वो पास नहीं करेगी, या टू में या थ्री में. क्लियर? वन क्वाड्रेंट में से भी पास नहीं करेगी, क्योंकि लाइन जिस मर्जी डायरेक्शन में हो जाए आपकी, चाहे ऐसे ड्रॉ कर लूं मैं इसको, चाहे ऐसे ड्रॉ कर लूं, चाहे मैं ऐसे ड्रॉ कर लूं, चाहे ऐसे ड्रॉ कर लूं, मिनिमम टू क्वाड्रेंट से वो पास होगी ही होगी, ठीक है, मिनिमम टू मैक्सिमम थ्री.
नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इस तरह का वैसे हम एक कर चुके हैं, अब बॉयज बताएंगे ये। गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2, 10। गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2, 10। 2, 10 से पास करने वाली दो लाइंस, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। हाँ जी लेट हिम टेल। हाँ जी टू कॉमा टेन से पास करे ऐसी इक्वेशन लिखनी है मुझे, यानी कि 2, 10 शुड सेटिस्फाई दैट इक्वेशन जो मैं फॉर्म करूं। बताओ जब भी इक्वेशन फॉर्मिंग आए ना, एक इक्वेशन बनाओ इनके सम से, एक इक्वेशन बनाओ इनके डिफरेंस से। सम क्या बनेगा इनका? 12। तो लिखेंगे क्या? x प्लस वाई इक्वल टू 12। डिफरेंस x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 8 या y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। क्लियर? और अगेन हाउ मेनी सच लाइंस कैन बी फॉर्म? इनफाइनाइट। इक्वेशन गिवन है मुझे 3y-3 इज इक्वल टू 13-y। थर्टीन माइनस वाई। Represent the solution on the number line as well as in the Cartesian plane. Number line पे represent करना है तो number line पे single one variable की form में, Cartesian plane में two variables की form में. Number line is a single line, तो it means एक ही variable आप इस पे represent कर सकते हो. Cartesian plane में कितनी lines हैं? Two lines हैं, two dimensions हैं, तो दो variables आप represent कर सकते हो. Clear? सेम वे में अगर हम स्पेस लेके चलते हैं उसमें थ्री वेरिएबल्स होते हैं हमारे, तो हम थ्री डायमेंशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो प्लेन के अंदर आप उसको कर सकते हैं। क्या बनेगा नंबर लाइन पे? वाई इज इक्वल टू 4। ओके वाई इज इक्वल टू 4, ये पॉइंट आ गया आपका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। अब कार्टेशियन प्लेन पे करना है तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लोगे, वाई की वैल्यू 4 है, एक्स की वैल्यू 0 है, तो यहां लू कि यहां लू? एक्स 0 कहां पे होता है? वाई एक्सिस पे, तो यहां लोगे। So line will be parallel to x-axis or y-axis? अगर मैं parallel to y-axis ले लूंगी तो ये आ जाएगा बच्चे, फिर यहाँ तो 0.40 बन गया, जबकि हमारा पॉइंट क्या है? वैसे भी जब हमारी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू a होती है तो दैट लाइन इज पैरेलल टू x-axis, ओपोजिट एक्सिस के पैरेलल होती है। y इक्वल टू 4 है तो y इक्वल टू 4 ये पॉइंट है आपका, so this line is parallel to x-axis। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखो, इन्हीं में आप लोग कंफ्यूज होते हो। So is this clear? Okay, how many solutions of the equation 2x+1? ये कर दो ही this, हो गया? How many solutions of the equation? अब एक इक्वेशन हमें गिवन है 2x+1 इज इक्वल टू x-3 आर देयर इफ इट इज रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। अगर आप इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे तो हाउ मेनी सॉल्यूशंस विल बी देयर? वन ओनली। एंड इफ इट इज रिप्रेजेंटेड ऑन द कार्टेशियन प्लेन देन हाउ मेनी सॉल्यूशंस विल बी देयर? कार्टेशियन प्लेन में क्या था अभी हमने किया? लाइन बन रही थी हमारी पैरेलल टू एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, तो एक लाइन पे कितने सॉल्यूशंस होते हैं?
इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, तो इसका आंसर फर्स्ट पार्ट का क्या आएगा, वन सॉल्यूशन, सेकंड पार्ट का क्या आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कर दूं ये रेस. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस वन. What is the distance between the graph of these equations? दोनों equations को plot कर लोगे? Three कैसे आएगा? Distance के लिए क्या करोगे? दो points के बीच में distance निकालना होता है तो. Yes. क्या करते हो? दो points के बीच में distance निकालना है तो. Subtract करते हो तो four में से जब आप मैंने क्या क्या लिखा है? Okay. X is equal to माइनस फोर एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, दोनों का डिफरेंस लोगे, दैट इज करेक्ट, थ्री इज करेक्ट. एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इज अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस. एक्स इज इक्वल टू माइनस वन हो गई ये वाली लाइन, एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर हो गई ये वाली लाइन, दोनों का डिस्टेंस कितना है, वन टू एंड थ्री. डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं हम, उसका साइन साथ में नहीं लेते, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू थ्री. क्लियर? तो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स इज थ्री यूनिट्स. नेक्स्ट चलें अगले पे, यहां तक कोई डाउट है तो यू कैन आस्क. ओके, ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y equal to 6. ये इक्वेशन गिवन है मुझे. ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन नीड्स द x एक्सिस एट द पॉइंट डैश. ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन नीड्स द x एक्सिस एट व्हाट पॉइंट? नीड्स द x एक्सिस मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होगा? x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट इज जीरो, तो पुट y इक्वल टू जीरो इन दिस and get the value of x, that will be your answer. y को zero put कर दोगे, let this meet at h comma zero. h comma zero point पे मान लो वो meet कर रही है x axis को, तो two into h plus three into zero is equal to six. two h is equal to six, h is equal to three. यानी कि कौन से point पे meet करेगी वो? three comma zero. ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एक्स इज इक्वल टू के स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू के, एक्स की वैल्यू के स्क्वायर गिवन है, वाई की वैल्यू के गिवन है, इफ दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स माइनस फाइव वाई प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स माइनस फाइव वाई प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, then find the value of k. क्या करेंगे? x is equal to k square and y equal to k is a solution of the equation x minus 5y plus 6 equal to 0. x k square y k इसका एक solution है, it means क्या करेगा ये? Line की equation को satisfy करेगा? हाँ जी, कैसे? वो तो हमें गिवन है बच्चे. यू वांट टू से हम इसको वाई इक्वल टू की टर्म्स में लिख लें? दिस यू वांट टू से? यस, यू कैन राइट डाउन. अगर ऐसे भी करोगे तो भी हो जाएगा. मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रही हूँ एक्स को के स्क्वायर, क्योंकि एक्स कॉमा वाई सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, यानी कि के स्क्वायर कॉमा के सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन. तो एक्स को रिप्लेस करो के स्क्वायर से, वाई को रिप्लेस करो के से. इक्वेशन क्या बनेगी? के स्क्वायर माइनस फाइव के प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो. क्यों में ऐसे क्वेश्चंस क्या करेंगे आगे? के की वैल्यू निकालनी है,
स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, के स्क्वायर माइनस थ्री के माइनस टू के प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो. सो दिस इज के इन टू के माइनस थ्री, माइनस टू कॉमन, के माइनस थ्री इक्वल टू जीरो. ब्रैकेट में दोनों वैल्यूज सेम मीन्स माई कैलकुलेशन आर करेक्ट. अगेन के माइनस थ्री दोनों में कॉमन है, बाहर लिया तो वट वी आर लेफ्ट विथ के माइनस टू. तो इधर के इज इक्वल टू थ्री और के इज इक्वल टू टू. ये इनका प्रोडक्ट जीरो कब होगा, या ये जीरो या ये जीरो. ठीक है, तो के माइनस थ्री को जीरो पुट करो, के माइनस टू को जीरो पुट करो, के इक्वल टू थ्री, के इक्वल टू टू. तो थ्री एंड टू आर योर आंसर. क्लियर, डन. चले अगले पे. पार्किंग चार्जेस ऑफ अ कार इन अ पार्किंग लॉट, पार्किंग चार्जेस ऑफ अ कार इन अ पार्किंग लॉट इज रुपीज थर्टी, इज रुपीज थर्टी for the first 2 hours, for the first 2 hours, and rupees 10 per hour for the subsequent hours. Form a linear equation for this. Form a linear equation for this. Sixty Q. For the first 2 hours, it is given 30. Fair, एक तरह का हम निकाल रहे हैं. That is, for the first 2 hours, it is fixed as 30. आगे जितने भी subsequent hours हैं, 10 rupee per hour के हिसाब से. लेट टोटल नंबर ऑफ आवर्स हमने ले लिए एक्स है, एक्स में से 2 hours का प्राइस, ये जो भी कॉस्ट थी वो हमने यहाँ ले ली, चार्जेस यहाँ ले लिए 10 rupees बाकी रिमेनिंग के लिए. एक्स में से 2 हम ले चुके हैं, रिमेनिंग क्या रह गए, एक्स माइनस 2. अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, वाई इज इक्वल टू 30 प्लस 10x माइनस 20. क्या इक्वेशन बन गई, 10x माइनस वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 0. यहां से मैंने नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, तो दिस इज 10x माइनस वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 0. गॉट इट? डन, क्लियर है, ये समझ आ गया. चले आगे. अब ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस हैं, बट दीज कैन कम इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू. क्वेश्चन सुन लो ये वाला दोबारा. पार्किंग चार्जेस ऑफ अ कार लिखना है कि टैली करना है? ओके, क्वेश्चन है हमारा, पार्किंग चार्जेस ऑफ अ कार इन अ पार्किंग लॉट इज रुपीज 30 फॉर द फर्स्ट 2 hours एंड रुपीज 10 पर आर फॉर द सब्सिक्वेंट आवर्स. अबव स्टेटमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर इक्वेशन. हमें गिवन है कि पार्किंग के जो भी चार्जेस हैं, दैट इज इक्वल टू फर्स्ट 2 hours के लिए 30 rupees है, बाकी जितने आवर्स बच जाते हैं फर्स्ट 2 को छोड़ के, उनके लिए 10 rupees पर आवर लगते हैं चार्जेस. मान लो हमने टोटल एक्स आवर्स के लिए कार को वहां खड़ा किया, ठीक है, फर्स्ट 2 hours के लिए हमने कितने रुपी पे कर दिए, 30. कितने आर्स बच गए, एक्स माइनस 2, इतने आर्स हैं. इसमें से 1 hour की कॉस्ट कितनी है, 10, तो एक्स माइनस 2 hours की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, इनका प्रोडक्ट, और उसमें ये जो 30 rupees फिक्स थे ये ऐड करने, तो वाई इज इक्वल टू 30, ये फिक्स चार्जेस हो गए, प्लस जितनी 1 hour की कॉस्ट थी इंटू एक्स माइनस 2. इन क्वेश्चन में ये चीज याद रखो, यहाँ पे जो भी आपको फिक्स चार्जेस गिवन है वो ले लो. दिस मे बी फॉर, जैसे यहाँ पे ये 2 hours के लिए है, डिस्टेंस के हिसाब से जैसे आपकी बुक का क्वेश्चन है वो भी सेम वे में 1 hour, 2 hours, 3 hours किसी के लिए भी गिवन होते हैं. फिक्स चार्जेस एज इट इज ले लो,
उसके बाद पर किलोमीटर या पर आर की जो कॉस्ट गिवन है 10 × x - जितने टाइम या जितने डिस्टेंस के ये फिक्स चार्जेस है। 1 आर या 1 किलोमीटर के हैं तो x - 1 लिखोगे, यहाँ पे ये 2 आवर्स के लिए थे तो x - 2 कर दिया, इन केस अगर ये 3 आवर्स के लिए होता तो x - 3 कर देते। जितना भी आवर्स के लिए है फिक्स चार्जेस, x में से वो वैल्यू आपने माइनस करनी है और 1 आवर या 1 किलोमीटर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है और ये टर्म्स आपस में क्या होंगी, प्लस। गॉट इट? फिक्स चार्जेस वाले बहुत सिंपल बनते हैं, फिक्स चार्जेस प्लस कॉस्ट जो भी है इनटू एक्स माइनस जितने के लिए फिक्स चार्जेस हैं दैट वैल्यू यू आर टू सब्ट्रैक्ट। क्लियर? सो रेस्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चंस वी विल डू टुमारो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बच्चे, इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन